आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2A और इस एक्सरसाइज का जो मैंने थ्योरी अपलोड किया है आप YouTube में जा करके ट्रिगोनोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन सर्च करेंगे तो वहाँ पर थ्योरी इस एक्सरसाइज का आ जाएगा। आप पहले थ्योरी को देखें उसके बाद आप एक्सरसाइज अवश्य सॉल्व करें। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2A ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात है कि जो मेरा इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला प्रयोग होगा उसको मैं यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट ग्रुप में दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। जैसे आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस फॉर्मूला का इस एक्सरसाइज में मैंने प्रयोग करूँगा। और टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इसको भी मैंने प्रयोग करूंगा। और सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साथ ही साथ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटा साइन थीटा। और इसमें हम लोग देखेंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, साथ ही साथ कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सभी का फॉर्मूला का प्रयोग इस एक्सरसाइज में होगा। और आपको पता है ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, जैसे आप ध्यान देंगे यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल मैंने यहाँ बना रहा हूँ, इसका भी मैंने आपके बीच टेबल का निर्माण कर दे रहा हूँ। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा और सेक थीटा फंक्शन। और इसमें हम लोग देखेंगे डिग्री 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, साइन 0 0 होता है स्टूडेंट्स, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसी प्रकार से इसको जस्ट उल्टा कर दें तो कॉस 0 का 1 यहाँ पर √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, टेन 0 0 टेन 30 डिग्री वैल्यू 1/√3, 1√3 और नॉट डिफाइन। अब परिभाषित इसको हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, इन्फिनिटिव होगा। उसी प्रकार से इसको कर देते हैं यहाँ पर नॉट
नॉट डिफाइंड, यहाँ हो जाएगा रूट थ्री, वन, वन बाई रूट थ्री और जीरो। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर नॉट डिफाइंड, ठीक है, टू रूट टू, टू बटा में रूट थ्री और जीरो। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर वन होगा स्टूडेंट्स नब्बे का, और यहाँ पर हो जाएगा वन, टू बटा में रूट थ्री, रूट टू और टू नॉट डिफाइंड। ठीक है, इस टेबल का भी मैंने इस चैप्टर में प्रयोग करूँगा, आप गौर से ध्यान देंगे, सभी फार्मूला का प्रयोग करते हुए आपको एक्सरसाइज को सोल्यूशन करना है। हम लोग सोल्यूशन देखते हैं, जैसे एक्सरसाइज नंबर 2A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू एंड थीटा लाइक इन क्वाड्रेंट थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर फाइव ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अदर फाइव मैट्रिक फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि जहां पे कॉस थीटा के मान दिया हुआ है कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू, और इसका जो कोण है एंगल से थीटा है वह थर्ड क्वाड्रेंट को लाइक करता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं थीटा लाइक इन क्वाड्रेंट थर्ड, हमें ज्ञात करना है फाइव ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मान, अर्थात साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा का मान दिया हुआ है, टैन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉट थीटा इज इक्वल टू व्हाट, सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट, वन टू थ्री फोर फाइव, यही फाइव ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मान ज्ञात करना है, जिसमें एक फंक्शन का मान दिया हुआ है। ठीक है, जैसे आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है माइनस रूट थ्री बाई टू, और हमें ज्ञात करना है साइन का, टैन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का। मैं बताना चाह रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में यदि साइन और कॉस यदि आप प्राप्त कर लेते हैं तो सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जवाब दे सकते हैं, और आपके बीच कॉस का मान दिया हुआ है, हमें साइन का मान निकाल लेना है, उसके बाद उसकी बेस पे मैं सभी फंक्शन का मान ज्ञात कर सकता हूँ। जैसे आपको एक फार्मूला मैंने अभी राइट किया था ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, जो बताया था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब यहाँ पर हमको मान ज्ञात करना है साइन का, तो हम साइन को रखेंगे और बाकी फंक्शन को भेज दीजिए, यानी कॉस स्क्वायर थीटा चला जाएगा उधर, है ना, तो जब बराबर को उधर जाएगा तो सिंबल चेंज होगा, यानी कि प्लस में था तो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, साइन थीटा इजकल टू हो जाएगा रूट अंडर, क्योंकि स्क्वायर जब इधर से हटेगा तो बराबर के उधर इसका रूट हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
और आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पर दिया हुआ है माइनस रूट थ्री बाई टू और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा वन माइनस, यहाँ पर ध्यान देंगे रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर है अर्थात यहाँ पर हो जाएगा थ्री और टू का स्क्वायर यानी कि फोर। अब इसको हम लोग लस कर लेंगे, फोर होगा यहाँ पर फोर माइनस थ्री और फाइनली वन बाई फोर और वन बाई टू हो जाएगा क्योंकि फोर का वर्गमूल दो होगा। अब स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो मान हम लोग निकाले हैं साइन का निकाले हैं और थीटा जो है वह थर्ड क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट कहने का मतलब है कि आप ध्यान देंगे यहाँ पे एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। मैंने शुरुआत क्लास में बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव एंड सेकेंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टैन एंड कॉट पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आपको कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, तो इसी बेस पे आप ध्यान दीजिए कि जो थीटा है वह थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। तो आप स्टूडेंट्स देखिए हम जो मान ज्ञात कर रहे हैं वह साइन थीटा का मान निकाले हैं और साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, है ना। यहाँ पर लिखेंगे सिंस थीटा लाइक इन क्वाड्रेंट थर्ड सो साइन थीटा इजकल टू माइनस वन बाई टू, एक फंक्शन का हमने मान निकाल लिया। इसी बेस पे सभी फंक्शन को मान ज्ञात करना है, ठीक है, और जवाब देना है आपको। जैसे मैं बहुत स्लो मोशन में आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन से मैं फास्ट हो जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद हमको साइन का वैल्यू अभी निकाल लिया मैंने, साइन का जो मान आया स्टूडेंट्स वह साइन इजकल टू माइनस वन बाई टू आ गया, ठीक। अब हम लोग चलते हैं टैन के मान ज्ञात करना है, तो टैन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और साइन थीटा का जो मान होता है पता है हम लोग ज्ञात कर चुके हैं माइनस वन बाई टू, और कॉस थीटा का जो मान होता है वो है माइनस रूट थ्री बाई टू। इस प्रकार से इसका इसका काम खत्म हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स वन बाई रूट थ्री, और पता है कि टैन थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट ऑलवेज पॉजिटिव टैन और कॉट, तो यहाँ पर वैल्यू जो होगा स्टूडेंट्स वन बाई रूट थ्री ही इसका आंसर होगा। इस प्रकार से हम लोग साइन भी ज्ञात कर लिए टैन भी ज्ञात कर लिए, अब इसका मान को हम लोग रख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर साइन का वैल्यू मेरा कितना मिल गया वन बाई टू, कॉस का वैल्यू माइनस वन बाई टू था और इसका वैल्यू मेरा निकल गया वन बाई रूट थ्री। अब हमको ज्ञात करना है कॉट का, तो आपको पता है कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर वन होता है, कॉट थीटा इजकल टू वन बाई टैन थीटा, वन बाई टैन थीटा यानी टैन थीटा का वैल्यू मेरा कितना है वन बाई रूट थ्री, और रूट थ्री चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा केवल रूट थ्री, और टैन और कॉट क्वाड्रेंट थर्ड में अर्थात हमेशा ये पॉजिटिव मान ही होगा, यहाँ पर हो जाएगा रूट थ्री, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने मान निकाल लिया स्टूडेंट्स रूट थ्री, ठीक है। अब हमको निकालना है सेक थीटा, ध्यान देंगे आप लोग, बस केवल आपको माइंड में फॉर्मूला सेटअप होना चाहिए
एक दो तीन चार पाँच छः जितने भी फंक्शन है सभी फंक्शन को आप मान ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग यहाँ पर सेक थीटा। तो सेक थीटा के मान निकालने के लिए आपको इसका संबंधित रिलेशन को देखिए, इसके कौन कौन से दोस्त हैं, किसके किसके साथ रिलेशन बन सकता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर वन होता है स्टूडेंट्स। तो कॉस थीटा बराबर वन हमें ज्ञात करना है, सेक थीटा और कॉस थीटा के मान मैंने ज्ञात कर चुका हूँ, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, गिवेन है ना। तो हम लोग राइट कर सकते हैं सेक थीटा इजकल टू वन बाई कॉस थीटा, वन बाई कॉस थीटा अर्थात कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, रूट थ्री बाई टू है ना, माइनस में है स्टूडेंट्स, चल जाएगा टू ऊपर नीचे हो जाएगा रूट थ्री माइनस में, माइनस टू बटा में रूट थ्री, और थीटा कौन क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट है, और सेक होता है कौन सा क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक होता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स थीटा लाइक इन फोर्थ क्वाड्रेंट, नो थीटा लाइक इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए यहाँ पर जो मान होंगे वह हमेशा निगेटिव ही होगा, और निगेटिव खुद दिया हुआ है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस थीटा लाइक इन क्वाड्रेंट थर्ड, सो सेक थीटा इजकल टू माइनस टू बाई रूट थ्री। इस प्रकार से हमको ये भी मान मिल गया, माइनस टू बटा में रूट थ्री है ना। अब हमको निकालना है कोसेक थीटा। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि कोसेक थीटा के निकालने के लिए आपको रिलेशन सोचना होगा। तो कोसेक थीटा अर्थात साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर वन, तो हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर वन बाई साइन थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, माइनस वन बाई टू, टू ऊपर माइनस में, थीटा लाइक इन थर्ड क्वाड्रेंट, और कोसेक होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, इसलिए इसका मान क्या होगा, हमेशा निगेटिव ही होगा, अर्थात कोसेक थीटा बराबर माइनस टू ही आंसर होगा, पता है ना। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस टू, ये सभी स्टूडेंट्स आपको आंसर कहलाएंगे। कैसे निकालना था आपको पता हो गया, और एग्जाम हॉल में एलेवेंथ के सिलेबस में जो चेंजिंग हुआ है वो स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप जितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं और उसका जवाब दे सकते हैं आप उतना ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कहलाएंगे, है ना। तो आपको जवाब देना है और सोल्यूशन करके जवाब देना है, ये आप ध्यान रखें, गलत जवाब न दें। तो सेकेंड क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट होते हैं और थोड़ा फास्ट सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन सेकेंड ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, सेकेंड में दिया हुआ है इफ साइन थीटा इजकल टू माइनस वन बाई टू एंड थीटा लाई इन क्वाड्रेंट फोर्थ, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट को लाई करता है, एंड फाइंड आउट करना है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द अदर, ऑल द अदर फाइव ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और लिखल तो ये था, तो हो
गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं सेकेंड, और क्वेश्चन में सेकेंड दिया हुआ है स्टूडेंट्स, कहता है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 एंड थीटा लाइक इन क्वाड्रेंट फोर्थ, थीटा लाइक करता है फोर्थ क्वाड्रेंट को और साइन थीटा का मान दिया हुआ है -1/2 है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द अदर फाइव ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, बाकी जितने भी फंक्शन हैं फाइव ट्रिगोनोमेट्री जिसमें छः होता है आपको वन आपको दिया हुआ है फाइव ज्ञात करना है, तो जो दिया है उसको राइट कीजिए, राइट मैंने कर लिया साइन थीटा इक्वल टू -1/2, और पता है स्टूडेंट्स कि जब साइन मिला है तो कॉस मिलेगा और जब कॉस मिल गया तो आपको सब के सब मिल जाएगा, कैसे ज्ञात करना होगा देखें, यहाँ पर साइन थीटा मिल गया है कॉस निकालिए, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा √1 - sin²θ और 1 - sin²θ का वैल्यू -1/2 का होल स्क्वायर, अब हो जाएगा क्या 1 - -1/4 और ये दोनों को ले लीजिए लसा और हो जाएगा यहाँ पर 4 - 1 अर्थात स्टूडेंट्स √3/2 हो जाएगा। और गौर से देखिए कि क्वाड्रेंट कौन सा कहता है जहां पर थीटा लाइक इन क्वाड्रेंट फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आपको पता है एक्स है एक्स डैश है वाई है वाई डैश है, फोर्थ क्वाड्रेंट अर्थात कॉस थीटा और सेक थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा बाकी सभी मान निगेटिव होगा, क्योंकि ट्रिक आपको याद होगा ऑल स्टूडेंट टैग कॉफी अर्थात ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव, स्टूडेंट मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव और टैग मतलब टैन और कॉट पॉजिटिव और कॉफी मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी बेस पे आप ध्यान देंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा है अर्थात इसका जो मान होगा वो कॉस थीटा इक्वल टू -√3/2 होगा, एक वैल्यू मैंने ज्ञात कर लिया, अब फास्ट आप लोग को ज्ञात होते जाएगा जितने भी मान पूछा है उसको आप ध्यान से देखेंगे, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा में कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू दिया है -1/2 और कॉस थीटा का वैल्यू आ गया है √3/-√3/2 इसी गया कैंसिल इसे कैंसिल हो गया 1/√3 और कहाँ है थीटा फोर्थ में है तो हो गया निगेटिव, ठीक है अब हमको निकाल देना है कॉट थीटा कैसे होगा तो 1/tan थीटा और टेन थीटा का वैल्यू हमको है कितना -1/√3 पलटा मर गया पलटा मार दीजिए इसको क्या हो जाएगा ऊपर में चला जाएगा -√3, ठीक है इस प्रकार से हमने ज्ञात कर लिया टेन ज्ञात हो गया एक मेरा ए आंसर होगा एक मेरा ए आंसर होगा, ठीक है अब हमको ज्ञात करना है साइन कॉस मिल गया है टेन मिल गया कॉट मिल गया सेक ज्ञात करना है स्टूडेंट्स, इसको मैंने यहाँ पर मिटा रहा हूँ ध्यान देंगे तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/cos θ और 1/cos θ कॉस थीटा अर्थात यहाँ पर देखिए कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है -√3/2 चल गया ऊपर में -2/√3 यही आंसर हो गया, उसके बाद निकालना है कोसेक थीटा बराबर तो होता है 1/sin θ और साइन थीटा के मान गिवेन है हो जाएगा -1/2 चला जाएगा ऊपर तो -2 ये भी आंसर, इस प्रकार से जितना भी आपसे प्रश्न पूछा था फाइव ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का उसका आप लोग जवाब दे चुके हैं, ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्टूडेंट्स आपके स्क्रीन बोर्ड पे आने जा रहा है इफ
कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3 एंड थीटा लाइक इन क्वाड्रेंट सेकेंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द अदर 5 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। अदर 5 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस फास्ट सॉल्यूशन करना है, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करके आ जाना है। करना क्या है सो देखेंगे। सोल्व दिया हुआ है कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना है कि जहां भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में यदि कोई एक फंक्शन के मान दिया हो तो हमें ज्यादा प्रयास नहीं करना है, बस दो ही जोड़ा आपको खोज लेना है, साइन और कॉस, ठीक है। तो पहले ज्ञात कीजिए इससे संबंधित रिलेशन, देखिए कि साइन से रिलेशन है जो है उसको राइट कर लीजिए। अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा, तो कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर होता है 1। मैंने यहां पर राइट कर लिया और साइन मेरा प्राप्त हो जाएगा 1/cosec θ हो जाएगा, और कोसेक थीटा के मान गिवेन है यानी कि 5/3 अर्थात 3/5 होगा, एक मेरा मान यहां पर निकल गया, ठीक। इसको अच्छा से लिख लें, उसके बाद पुनः देखेंगे। जब साइन निकल गया स्टूडेंट्स तो कॉस निकल जाएगा, अर्थात कॉस के लिए करना क्या होगा, तो √1 − sin²θ अर्थात 1 − sin का वैल्यू 3/5 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 − 9/25 25 − 9/25, ठीक है। अर्थात यहाँ पर 16/25 होगा, और इस दोनों का आप निकाल लें तो रूट कैंसिल करते हैं तो 4/5 होगा, ठीक है। अब गौर करने वाला बात है कि थीटा लाई करता है कौन सा क्वाड्रेंट में, तो थीटा लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट साइन थीटा और कोसेक थीटा केवल पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो ए मेरा पॉजिटिव में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, साइन का भी मान पॉजिटिव में हुआ, परंतु यहाँ पर कॉस का मान क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कॉस होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसी बेस पे आप नेक्स्ट मान को ज्ञात कर लें, यानी कि आपका जो आया था कॉस का वैल्यू आया था 4/5। अब इसी प्रकार से टैन ज्ञात कीजिए, तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और साइन का वैल्यू कितना है 3/5, और कॉस का वैल्यू है 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 3/4, ठीक। और ये होता है कौन क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट अर्थात सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसका वैल्यू निगेटिव, ये भी एक आंसर। उसी प्रकार से कॉट में चलते हैं, तो कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan θ, और टेन थीटा का वैल्यू है −3/4 अर्थात ये चल जाएगा ऊपर, तो 4/3 निगेटिव होगा, ये भी एक आंसर। इसी बेस पे आप ज्ञात कर सकते हैं कॉस निकल गया, कोसेक निकल गया, साइन निकल गया, टेन निकल गया, कॉट निकल गया, आपका बच गया कौन सा, बच गया कोसेक निकल गया है, साइन निकल गया है, टेन निकल गया, कॉट निकल गया, एक आपका बच गया है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कहता है कि इफ सेक थीटा बराबर दिया हुआ स्टूडेंट्स सेक थीटा इक्वल टू है √2,
एंड थीटा लाइक इन क्वाड्रेंट फोर. क्वाड्रेंट फोर्थ ठीक है. कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर फाइव ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. हमें पांच ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनों का मान ज्ञात करना है, जिसमें हमें ज्ञात करना है साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू, टैन थीटा का वैल्यू, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा. ठीक है, सभी को मान ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होगा कि सेक के संबंधित जो फार्मूला है उसको हम लोग पहले सर्च करेंगे. तो सेक से संबंधित जो है ऐसा आपका कॉस है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर वन होता है ना. अब यहाँ पर हमको पता चल जाएगा कि कॉस थीटा इजकल टू वन बटा में सेक थीटा, और सेक थीटा का मान दिया हुआ है रूट टू, अर्थात कॉस का जो वैल्यू आया वो वन बाई रूट टू. अब कहता है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस हमेशा पॉजिटिव होता है, अर्थात यहाँ पर वन बाई टू ही आंसर होगा. अब कॉस निकल गया, कॉस से संबंधित हम रिलेशन सोचेंगे तो साइन होता है, यहाँ पर हम लोग साइन थीटा बराबर कह सकते हैं रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू वन बाई रूट टू का होल स्क्वायर, अर्थात वन माइनस वन बटा है फोर, यहाँ हो जाएगा फोर माइनस वन बाई फोर अर्थात रूट थ्री बाई टू. और साइन होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, अर्थात इसका जो मान होगा वो निगेटिव होगा. अब हम लोग चलते हैं, साइन निकल गया, कॉस निकल गया, तो टेन का रिलेशन है इससे, तो टेन फाइंड आउट कर लीजिए. टेन थीटा बराबर तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और साइन का वैल्यू है माइनस रूट थ्री बाई टू, और कॉस का वैल्यू है वन बटा में रूट टू. ठीक है, अब इसको हल कर लें. हल जब करते हैं तो माइनस रूट थ्री बाई टू इन टू रूट टू बाई वन है ना, यहाँ पर हो जाएगा. इसको काट दीजिए तो रूट टू बार में जाएगा, अर्थात माइनस रूट थ्री बाई रूट टू. और कौन सा क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट, और है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो निगेटिव में ही होगा. उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमको मान ज्ञात कर लेना है, वो है कॉट थीटा. तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, वन बटा में टैन थीटा, और टैन का जस्ट उल्टा, कॉट का जस्ट उल्टा टैन हो जाएगा, तो माइनस रूट थ्री बाई रूट टू, अर्थात माइनस रूट टू बाई रूट थ्री, यही आंसर होगा. अब हमें ज्ञात करना है, साइन निकल गया, साइन निकल गया, कॉस निकल गया, टैन निकल गया, कोसेक निकल गया, और कॉट निकल गया, यही आपका सभी आंसर होगा. जैसे यहाँ पर मान को हम दिखा दे रहे हैं, साइन का जो वैल्यू आया है वो साइन का वैल्यू आ गया है माइनस रूट थ्री बाई टू, कॉस का जो वैल्यू आया है वो आया है वन बाई रूट टू, और टैन का जो मान आया है माइनस रूट थ्री बाई टू, और कॉट का जो मान आया है कॉट का माइनस रूट टू बाई रूट थ्री, टैन का जो वैल्यू है यहाँ पर रूट है. हमको चाहिए क्या, कोसेक चाहिए, तो कोसेक के लिए क्या करना होगा, साइन का जस्ट उल्टा कर दीजिए, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर वन, यानी कि कोसेक थीटा बराबर वन बटा में साइन थीटा. साइन का उल्टा क्या होगा, यहाँ पर पलट दीजिए, टू बटा में रूट थ्री, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा माइनस रूट थ्री बाई टू. इस प्रकार से सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मान को ज्ञात कर सकते हैं और दिखा सकते हैं. फ्यूचर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन फाइव है, क्वेश्चन फाइव दिया हुआ है साइन एक्स इजकल टू माइनस टू बाई माइनस टू रूट सिक्स बाई फाइव एंड एक्स लाइक इन क्वाड्रेंट थर्ड.
थर्ड फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू व्हाट है और कॉट एक्स इक्वल टू व्हाट है, ठीक है, इसी को हमको फाइंड आउट करना है। तो साइन दिया है कॉस का रिलेशन बनता है, ज्ञात कर लीजिए कॉस एक्स बराबर रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन का वैल्यू है यहाँ पर माइनस टू रूट सिक्स बटा फाइव, इतना का होल स्क्वायर हो जाएगा वन माइनस फोर गुने सिक्स बटा में ट्वेंटी फाइव, ठीक है, यहाँ हो जाएगा ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फोर वन बटा में ट्वेंटी फाइव वन बटा में फाइव, ठीक। कॉस का जो मान आएगा वन बटा में फाइव आएगा और देखना है कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट टैन पॉजिटिव होता है इसलिए कॉस है तो क्या होगा निगेटिव, ठीक। इसी प्रकार से हमको निकालना है कॉट, तो कॉट एक्स बराबर साइन एक्स बटा में कॉस एक्स, और साइन एक्स का वैल्यू दिया हुआ है माइनस टू रूट सिक्स बटा में फाइव, और कॉस एक्स का वैल्यू आ गया माइनस वन बटा में फाइव, ई माइनस से माइनस कैंसिल, फाइव से फाइव कैंसिल, टू रूट सिक्स। कॉट थर्ड क्वाड्रेंट अर्थात यहाँ भी थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसका वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा और यही इसका आंसर कहलाएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सिक्स। सिक्स कॉस एक्स इक्वल टू दिया हुआ है माइनस रूट अंडर फिफ्टीन बाई फोर, और थीटा कहता है कि पाई बाई टू लेस एक्स लेस देन पाई बाई टू, अर्थात इसका मतलब हुआ पाई बाई टू से लेकर के पाई तक। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे क्वाड्रेंट पर, क्वाड्रेंट में मैंने बताया था एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, इसका जो वैल्यू होता है जीरो से नाइन्टी होता है, और इसका जो होता है नाइन्टी से आपको वन हंड्रेड एट्टी, और वन हंड्रेड एट्टी से टू सेवेंटी, और यहाँ टू सेवेंटी से आपको 360। यहाँ पर जो देख रहे हैं 90 से 180 तक है अर्थात सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक पॉजिटिव बाकी सभी निगेटिव। तो हमें ज्ञात करना है सभी वैल्यू को, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स, केवल साइन एक्स का मान ज्ञात करना है साइन एक्स इक्वल टू व्हाट। तो स्टूडेंट्स साइन एक्स के लिए हम लोग रिलेशन सोचेंगे, तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वन माइनस कॉस का वैल्यू माइनस रूट फिफ्टीन बाई फोर का होल स्क्वायर अर्थात वन, फिफ्टीन रूट में है तो यहाँ पर केवल फिफ्टीन हो जाएगा और यहाँ पर 16 हो जाएगा, 16 लसा होगा 16 माइनस 15 अर्थात 1 बटा में 16 1 बाई फोर। कौन सा क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट नहीं सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट्स कि x आई की इन क्वाड्रेंट सेकेंड, सो साइन एक्स इजकल टू पॉजिटिव में ही मान होगा वन बाई फोर आंसर। इस प्रकार से आप सोल्यूशन कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर सेवन है, इफ सेक एक्स इज इक्वल टू माइनस टू और थीटा के बारे में बोलता है कि पाई लेस एक्स थ्री पाई बाई टू, अदर फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मान ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, पाई से लेकर के थ्री पाई बाई टू देखेंगे यहाँ पर क्वाड्रेंट में, जीरो से लेकर के 90 डिग्री और 90 से 180 और 180 से 270 और 270 से 360। इसमें कहा जा रहा है कि 180 से लेकर 270 अर्थात थर्ड क्वाड्रेंट, हमें याद रखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट के बात कर रहा है और हमको पूरे फंक्शन का मान ज्ञात करना है। सेक दिया हुआ है, साइन ज्ञात करेंगे, कॉस ज्ञात करेंगे, तो सेक से संबंधित रिलेशन है कॉस का, तो हम लोग कॉस पहले ज्ञात कर लेंगे। कॉस एक्स बराबर तो वन बटा में सेक एक्स, वन बटा में सेक का वैल्यू माइनस टू चला जाएगा, माइनस टू ऊपर में चला जाएगा माइनस वन बाई टू, ठीक है माइनस वन बाई टू। और देखना है कि यह कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो क्वाड्रेंट आपका कॉस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थर्ड में, इसलिए निगेटिव होगा। उसके बाद हमें चाहिए साइन, रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस का वैल्यू आ गया वन माइनस वन बटा में टू, माइनस का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा वन, वन बटा में फोर यानी कि फोर माइनस वन बाई फोर यानी कि रूट थ्री बाई टू, फोर का परमोल दो हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन यानी कि सेकेंड में और थीटा करता है थर्ड में, इसलिए ए भी मान क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू। उसके बाद साइन मिल गया, कॉस मिल गया, सभी निकल जाएंगे। अब लिखते हैं टैन थीटा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू है माइनस रूट थ्री बाई टू और कॉस का वैल्यू है माइनस वन बाई टू, ई टू से टू कैंसिल यानी माइनस से माइनस कैंसिल यानी कि रूट थ्री। और कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा। उसके बाद कॉट थीटा वन बाई टेन थीटा और टेन थीटा का वैल्यू रूट थ्री है, इसलिए कॉट भी थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए भी पॉजिटिव ही होगा। उसके बाद हमको स्टूडेंट्स ज्ञात करना है, कॉस निकाल लिए, साइन निकाल लिए, टैन कॉट निकल गया, अब हमको बच रहा है कॉसेक, कॉसेक थीटा, तो वन बटा में साइन थीटा और साइन थीटा का वैल्यू है माइनस रूट थ्री बाई टू, माइनस रूट थ्री बाई टू ये चला जाएगा ऊपर, टू बटा में रूट थ्री निगेटिव, और कॉसेक भी निगेटिव होगा क्योंकि थीटा लाइक करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। इस प्रकार से ये भी आंसर। इस प्रकार से स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम लोग सेवन तक देखे, अगले दिन हम लोग क्वेश्चन नंबर एट नाइन टेन के डिफरेंट प्रश्न हैं, क्वेश्चन है, ये सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। अगले क्लास आप लोग जरूर देखें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद।